हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे क्लास टेंथ मैथमेटिक्स चैप्टर वन। इंट्रोडक्शन में वो सारी की सारी टर्म्स, जितनी भी टर्म्स होती है चैप्टर के अंदर आने वाली, वो सारी की सारी जान लेनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जब भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं तो उनको सोल्व करते हैं, तो उसमें बहुत सारी टर्म्स का यूज होता है, तो वो सारी टर्म्स जान लेनी बहुत जरूरी होती है। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर वन। तो इसमें सबसे पहले, जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, तो हमें रियल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स होती क्या है। दरअसल रियल नंबर जो होती है उसमें सारी नंबर इंक्लूड होती है, नंबर्स इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। ये सारी सारी जितने भी नंबर्स होती है सारी इंक्लूड होती है रियल नंबर्स में। जैसे कि मैंने एक वेन डायग्राम भी बनाया है, तो वेन डायग्राम में रियल नंबर्स में देखिए यहाँ पे इरेशनल नंबर आ गई, रैशनल, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर, ये सब इंक्लूड होती है। ऐसे ही जो रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स आ गए, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर, ये सब इंक्लूड होते हैं। और उसी तरीके से होल नंबर में नेचुरल नंबर भी इंक्लूड होते हैं। तो ये हो गए हमारे रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में ये सारी नंबर इंक्लूड होती है। इसके बाद आता है यूक्लिड्स एल्गोरिथम फॉर एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड्स एल्गोरिथम का किस तरीके से यूज किया जाता है। सबसे पहले ये जान लें कि यूक्लिड कौन है। यूक्लिड है एक मैथमेटिशियन, जिस ग्रीक मैथमेटिशियन, जिन्होंने क्या डिवाइस किया था, उन्होंने डिवाइस किया था इंटरेस्टिंग मेथड, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड, क्या करने के लिए, टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करने के लिए उन्होंने एक मेथड दिया था। और इसी मेथड को हम किस नाम से जानते हैं, यूक्लिड्स एल्गोरिथम। इन्होंने कुछ स्टेप्स बताए थे हमें, स्टेप टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, यानी दो नंबर का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो उसमें हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। वो स्टेप्स क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर ऑफ द टू, यानी हम अगर दो नंबर लेते हैं कोई भी, लेट करिए 32 एंड 616, इस तरह के कोई भी दो नंबर ले लिए हमने, तो सबसे पहले ये करना आइडेंटिफाई द ग्रेटर। अब इन दोनों नंबर में जो ग्रेटर नंबर है उसको हमें क्या करना है, ग्रेटर नंबर को आइडेंटिफाई करना है। तो ग्रेटर नंबर कौन सी हमारी, 616 ग्रेटर है 32 से। इसके बाद का स्टेप क्या है, कंसिडर द ग्रेटर नंबर एज डिविडेंड, जो ग्रेटर नंबर होती है उसको क्या मान के चलना है, उसको डिविडेंड मान के चलना है। तो डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड वो नंबर होती है जिसको हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं। तो ये नंबर हमारी क्या होती है, डिविडेंड, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होता है, जो डिवाइड करने के बाद आता है वो क्वेश्चन होता है, और जो लास्ट में बचता है वो होता है रिमाइंडर। एंड द स्मॉलर, और स्मॉलर को क्या मानना है, डिवाइजर, जो छोटी नंबर है इसमें दोनों में से इसको क्या मान के चलना है, उसको डिवाइजर मान के चलना है। तो डिवाइजर मानेंगे, इसके बाद का स्टेप क्या है, फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर। अब इसमें क्या करना है, क्वेश्चन और रिमाइंडर दोनों ही निकालने हैं। नाइन टू 18, नाइन थ्री 27 और 1 माइनस करेंगे तो ये आएगा 8, और 8 हो जाएगा हमारा डिवाइजर, और जो डिवाइजर होता है वो हो जाता है क्वेश्चेंट, और रिमाइंडर क्या हो गया, 0। अब देखिए क्या था, जो ग्रेटर नंबर थी वो डिविडेंड होगी, जो स्मॉलर नंबर थी वो डिवाइजर होगी, और तब तक इसको डिवाइड करेंगे जैसे हमने 1 चलाया इसमें, उसके बाद रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर इज ग्रेटर देन 32, अगेन फिर इसको क्या चलाएंगे, फिर 9 चला रहे हम, लेकिन उसके बाद फिर भी क्या बचता है हमारा, 8 बचता है। तो अब की बार क्या है, जो रिमाइंडर है वो स्मॉलर है हमारे डिवाइजर से, तो क्या करना होगा, अगला स्टेप जो होता है ये होता है कि जो रिमाइंडर बचता है वो डिवाइजर बन जाता है अगले स्टेप में, और जो डिवाइजर होता है वो बन जाता है डिविडेंड। तो 8 कितना हो गया, 8 हो गया 32। तो लास्ट में एचसीएफ ऑफ 32 एंड 616 इज इक्वल टू क्या, डिवाइजर, जो लास्ट में जो डिवाइजर होता है वही एचसीएफ होता है।
तो ये हो गया HCF ऑफ 32 एंड 616। चलिए अब नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, अ प्राइम नंबर इज अ नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर इफ इट हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो वो मैं आज कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। तो सबसे इसमें क्या कहा गया कि वन एंड द नंबर इटसेल्फ, बस केवल ये इसके प्राइम फैक्टर होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर सेवन है, सेवन एक प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम नंबर है? क्योंकि अगर इसके प्राइम फैक्टर करते हैं तो इसके प्राइम फैक्टर सिर्फ और सिर्फ ये होंगे वन इंटू सेवन। तो वन एंड द नंबर इटसेल्फ, एक तो इसका फैक्टर वन हुआ और एक नंबर खुद हुई है, तभी ये प्राइम है, अदरवाइज ये प्राइम नहीं होते। अगर कोई और नंबर लेके चले, मान लीजिए एक नंबर ले लिया हमने सिक्स, तो सिक्स को के जो प्राइम फैक्टर होंगे टू इंटू थ्री, टू थ्री या सिक्स। तो वन और नंबर खुद ही, अब ये तो इसके फैक्टर होते ही है, लेकिन उसके अलावा आपने देखा कि इसका फैक्टर टू भी है और थ्री भी है। जबकि प्राइम फैक्टर के हिसाब से, प्राइम नंबर के हिसाब से क्या है, वन और वो नंबर खुद वो ही होने चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी इसका फैक्टर होता है तो वो फिर नंबर प्राइम नहीं होगी, वो कंपोजिट हो जाएगी। तो सिक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि जो सिक्स के फैक्टर है वो वन और सिक्स के अलावा टू और थ्री भी है, तो इसलिए वन प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कंपोजिट नंबर की तरफ। अ नंबर इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर, एक नंबर कंपोजिट नंबर होती है इफ इट हैज एटलीस्ट वन फैक्टर अदर देन वन एंड द नंबर इटसेल्फ। अगर जैसे मैंने भी बताया था, सिक्स है ये क्या है, सिक्स ले लीजिए, या कोई और नंबर हो सकती है, इसकी जगह एट भी हो सकती है। तो टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, आपने देखा कि एट में क्या है, थ्री टाइम्स टू आया है। जबकि प्राइम फैक्टर में क्या बताया था कि वन और एट, यही इसके प्राइम फैक्टर होने चाहिए थे। तो एट क्या हुई, ये कंपोजिट नंबर हुई है। तो वो नंबर जिनके फैक्टर नंबर और वन के अलावा अगर कोई भी फैक्टर आता है, जैसे टू आ गया यहां पे, तो ये होगी आपकी कंपोजिट नंबर। एक चीज नोट करके रखिएगा, ये मैंने लिखा है पहले कि वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब वन के, वन में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि वन कंपोजिट नंबर होगा या प्राइम नंबर होगा। तो मैं बता दूं, वन ना ही तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इनमें से कुछ भी नहीं है। इसके बाद आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक की जो फंडामेंटल थ्योरम है वो क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर, हर कोई जो कंपोजिट नंबर है, मान लेते हैं कोई भी नंबर, क्योंकि हमें पता है कि हमने जान लिया कि कंपोजिट नंबर क्या होती है, कैन बी एक्सप्रेस, उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, जितने भी प्राइम्स होते हैं। अगर इसके फैक्टर करते हैं तो इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे टू इंटू टू इंटू थ्री, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व। एंड द डिकम्पोजिशन इज यूनिक, अब ये जो डिकम्पोजिशन है, अब हमने इसको जो डिकम्पोज किया है प्राइम फैक्टर्स में, ये यूनिक होता है। यूनिक मतलब इसके अलावा इसके और कोई फैक्टर हो नहीं सकते। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स, अब हम इसको किसी भी ऑर्डर में रखें, थ्री को पहले रखें, टू को बाद में रखें, इसका अगर ऑर्डर भी चेंज करते हैं तो ये एक यूनिक डिकम्पोजिशन है, इसके अलावा कोई और नंबर्स इसके प्राइम फैक्टर में नहीं हो सकते। तो ये है, ये थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। चलिए अब नेक्स्ट है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम किसे जानते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, द एचसीएफ ऑफ टू और मोर नंबर्स, दो या दो से ज्यादा टू और मोर नंबर का जो एचसीएफ होता है, इज द ग्रेटेस्ट अमंग द कॉमन फैक्टर्स। तो क्या होता है ग्रेटेस्ट, यानी जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वही होता है एचसीएफ किसी भी दो नंबर का। तो नंबर लेते हैं एग्जांपल के लिए एट और ट्वेल्व, इन्हीं दो नंबर का अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसका सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर होगा दोनों का, एट का और ट्वेल्व का जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर आएगा, कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर होते हैं कि जिनकी टेबल में एट और ट्वेल्व आएंगे, जिसकी टेबल में एट आएगा वो सारे एट के फैक्टर्स होंगे, जिनकी टेबल में ट्वेल्व आएगा वो सब जो होंगे फैक्टर्स होंगे ट्वेल्व के। तो जैसे ये इसका वन फैक्टर तो सभी का ही होता है, टू की टेबल में आता है, ये फोर में भी आता है, एट में आता है, तो ये हो गए इसके एट के फैक्टर्स। ट्वेल्व के फैक्टर्स में क्या आता है, वन आता है इसमें, टू भी आता है, थ्री और फोर,
सिक्स और ट्वेल्व। अब जैसे इसके डेफिनेशन में दिया है कि वो क्या होती है, ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है जितने भी हमारे फैक्टर्स होते हैं। तो फैक्टर्स में जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, जो सबसे बड़ी जो वैल्यू है इसमें क्या है, वो है फोर। सबसे बड़ी वैल्यू, अब देखो इसका सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो एट है, लेकिन एट इसमें नहीं है इसीलिए वो कॉमन नहीं है। फोर आता है इसके पहले, फोर जबकि दोनों में है, तो ये फोर क्या हुआ, फोर इसका एलसीएम हो गया एट और ट्वेल्व का, क्योंकि यही ग्रेटेस्ट फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर यही है जो कि दोनों में कॉमन भी है। देयरफॉर एलसीएफ ऑफ एट एंड ट्वेल्व इज इक्वल टू फोर। तो ये हो गया एलसीएफ। इसके बाद आता है एलसीएम, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। द एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स, दो या दो से ज्यादा नंबर्स का जो एलसीएम होता है द स्मॉलेस्ट। इसमें क्या था, एलसीएम में ग्रेटेस्ट वैल्यू थी और यहां क्या है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी वैल्यू है। विच इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स, यानी जो दोनों नंबर है उन दोनों के मल्टीपल। मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं टेबल। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम दो टेबल लेते हैं, यहां पे एक सेवन हो गया और एक एट हो गया मान लेते हैं। तो मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल मैंने बताया जैसे टेबल होता है, सेवन का टेबल वो उसका सेवन का मल्टीपल होता है। तो सेवन, सेवन टू या फोर्टीन, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी एट, थर्टी फाइव, फोर्टी टू, फोर्टी नाइन, फिफ्टी सिक्स, और जहां तक आप देखेंगे आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी देखिए उसको आगे बढ़ा देंगे। तो एट, सिक्सटीन, ट्वेंटी फोर, थर्टी टू, फोर्टी, फोर्टी एट और फिफ्टी सिक्स, जरूरत पड़ती तो उसको भी आगे बढ़ा देते इसी तरीके से मल्टीपल को। लेकिन हम क्या देखा, स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा और कैसा मल्टीपल, नंबर्स में जो सबसे छोटी है, जो उनका सबसे छोटा जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा। और आप देखिए यहाँ सेवन के मल्टीपल लिखे हुए, यहाँ एट के मल्टीपल लिखे हैं, लेकिन इनमें कॉमन देखिए कॉमन क्या है, इसमें कोई भी फैक्टर यहाँ से कॉमन नहीं है, कोई भी मल्टीपल इसका कॉमन नहीं आ रहा है, सिर्फ क्या है लास्ट में 56। तो 56 वो सबसे छोटा मल्टीपल है जो कि कॉमन है किस किस के मल्टीपल में, सेवन और एट दोनों के मल्टीपल में। तो ये सबसे छोटा जो मल्टीपल है ये हो गया एलसीएम, एलसीएम ऑफ सेवन एंड एट इक्वल्स टू 56। तो बात समझ आई, अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों के फैक्टर्स लिखने होंगे यहां पे। लेकिन अगर हमें एलसीएम निकालना है तो दोनों के मल्टीपल्स लिखने होंगे, दो नंबर जो हमें गिवन नंबर होगी। तो मल्टीपल में लीस्ट कॉमन जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वो हमारा एलसीएम होगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वो एचसीएफ होगा। इसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएफ की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उनको भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर इज नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ देम। जो एचसीएफ निकला है, देखिए ये एचसीएफ क्या निकला था, फोर निकला था, किसका एचसीएफ था, एट और ट्वेल्व का एचसीएफ था। तो एचसीएफ जो वैल्यू होती है वो हमेशा जो दोनों नंबर गिवन होते हैं, जो दोनों नंबर दी हुई होती है, एचसीएफ जो होती है वो हमेशा इन दोनों नंबर से छोटी होती है। एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर इज ग्रेटर देन एनी ऑफ देम। इसके बाद आता है द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर इज नॉट लेस देन एनी ऑफ देम। कभी भी जो एलसीएम निकलता है, एलसीएम जो निकलता है कभी भी इन दोनों गिवन नंबर से कभी भी छोटा नहीं होता है। कभी भी अगर एलसीएम निकलेगा तो जो जिस नंबर का हम एलसीएम निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, ये वाली वैल्यू हमेशा इससे और इससे दोनों से ग्रेटर होगी, दोनों से बड़ी होगी। द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। हमेशा जो एलसीएम होता है वो एलसीएम का एक फैक्टर होता है। फोर के टेबल में 56 आएगा, यानी फोर क्या हुआ, एक फैक्टर हुआ किसका, 56 का, यानी एचसीएफ जो हुआ फैक्टर हुआ किसका, एलसीएम का। तो ये हमेशा होता है कि एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर होता है। इसके बाद आता है द एचसीएफ ऑफ टू कोप्राइम नंबर्स इज वन।
कोप्राइम नंबर के बारे में मैंने नहीं बताया। जो कोप्राइम नंबर होती है, जैसे ऐसी दो नंबर जिनमें केवल वन कॉमन फैक्टर होता है, जैसे थ्री और फाइव हो गया, थ्री के फैक्टर करेंगे वन इंटू थ्री, फाइव के फैक्टर करेंगे वन इंटू फाइव, तो थ्री और इसमें जो फाइव के फैक्टर उसमें केवल वन कॉमन आता है। अगर वन कॉमन आ रहा है तो उस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो होंगे कोप्राइम नंबर्स। थ्री और फाइव इस तरह के नंबर्स हैं जिसका अगर एचसीएफ भी निकालेंगे तो क्या आएगा, वन ही आएगा, क्योंकि वन इंटू थ्री और वन इंटू फाइव तो वन ही कॉमन होगा दोनों में, इसलिए ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, कोप्राइम नंबर्स। इसके बाद आता है द एलसीएम ऑफ टू और मोर कोप्राइम नंबर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। अब जैसे मैंने अभी बात करी थी कोप्राइम नंबर की, जैसे थ्री और फाइव कोप्राइम नंबर हो गए तो उनका एलसीएम क्या होगा, उनका एलसीएम हमेशा उनका प्रोडक्ट होता है। जैसे थ्री और फाइव का एलसीएम होगा थ्री फाइव या फिफ्टीन, तो दोनों कोप्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होगा वो। और लास्ट में आता है इफ ए एंड बी आर द टू नंबर्स, यदि ए और बी दो कोई नंबर है तो हमेशा उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए, ए और बी कोई नंबर है, अगर उनका हम एचसीएफ निकालते हैं दोनों नंबर का और उन्हीं दोनों नंबर का हम एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है हमेशा। तो ये थी सारी नंबर्स, सारी टर्म्स जो हमने इंट्रोडक्शन में जानी है इस चैप्टर के बारे में। तो आगे के जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, एनसीईआरटी की जितनी भी एक्सरसाइज होगी, उन सबकी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में हमारे साथ में जुड़े रहें। और अगर आपको ये इंट्रोडक्शन या कोई भी वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा।